हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं नीली और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल था इंडियन लाइफ में। तो दोस्तों, हम लोग हैं पटाया में, जहाँ मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ देवों के देव महादेव शिव मंदिर में पटाया के। तो आप लोग मेरे बैक साइड देख सकते हैं, आपको थाईलैंड में भी भगवान शिव के दर्शन करने को मिल जाएंगे। कल स्थापना दिवस था तो कल हम लोग नहीं आ पाए थे, तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं। रुद्राभिषेक हो रहा है बैक साइड मंदिर के, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आइए। गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे थाई ब्रह्मा जी हैं। ये लोग थाई लोग का ये ब्रह्मा है, तो ये ब्रह्मा जी को ये लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं इनका। और गाइज, ये मंदिर हर दिन खुला रहता है। ये पार्वती का था पहले, वो लगा लो चलते हैं। ओ वाशु आशाह परवीत यागात सौश्रेया ये काफी यमान हम कम दीदासह कवि माता जी में खेल में सब खेल इनके लिए वस्त्र जो है गम्भीरा सह कवयौ नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। बगल में थोड़ी यहाँ शुद्ध जल से लेके उनके और थोड़ी
गाइज आपने देखा रुद्राभिषेक हुआ भगवान का, और यहाँ पे थाई लोग सांप को भी बहुत मानते हैं और सांप का भी पूजा करते हैं। ये थाई भगवान है इनका, इनका ऐसे ही काट का बना हुआ होता है या सीमेंट का, इसी पे ये लोग मूर्ति को बैठाते हैं जो भी भगवान का पूजा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है गाइस, और सावन के महीना में मैं पटाया में शिव भगवान का दर्शन कर रही हूँ। दिल में बहुत सुकून महसूस होता है गाइस, कि इंडिया के बाहर भी आप अपने सनातन धर्म को देखते हो तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो ऑनर है वो थाई लेडी है, और वही इसको इस मंदिर को पूरा हैंडल करती है गाइस। ये जो आप सिबलिंग देख रहे हैं, ये सिबलिंग करीबन 1000 साल पुराना है। इसलिए थाई और इंडियन काफी मैच करते हैं। देखिए बट ठंडा हवा चल रहा है। एक हजार साल पुराना ये शिवलिंग, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा, ये लोग बहुत ही साफ सुथरा से रखते हैं गाइस। उधर मेरे गणपति जी को भी देखिए, और ये नंदी जी, गाइस यहाँ पे आपको माँ दुर्गा के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये शिव भगवान भी देख सकते हैं आप लोग, और ये विष्णु जी का है। एक ही मंदिर में आपको शिव भगवान के दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये माँ सरस्वती, आप लोगों को यहाँ पे थाईलैंड का जो भगवान है बुद्ध भगवान, उनके भी आपको यहाँ पे मूर्ति देखने को मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारा छोटा छोटा स्कल्पचर यहाँ पे आपको लगा हुआ है। ये यहाँ पे भी दीपक जलते रहता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, हमेशा दीपक जलते रहता है यहाँ पे 24 आवर। और यहाँ पे आपको भगवान राम जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और राधा कृष्णा सब आपको एक ही मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस।
परिमल द्रव्याणि समर्पयामि नमस्करोमि सीधा करिए गुलाब का फूल। अगरबत्ती 5 जलाइए। सुगंधित यत्रं समर्पयामि नमस्कारो।